चंडीगढ़ स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के इंस्पेक्टर रविंदर सिंह सैनी को अचानक एक ई रिक्शा वाला कुचल जाता। हालांकि वह उस टाइम ड्यूटी पर थे और बिल्कुल इसी जगह, हालांकि सीसीटीवी भी सामने आई है कि किस तरह इलीगल तरीके से जो ई रिक्शा चलते हैं या फिर ऑटो चलते हैं उन पर चंडीगढ़ प्रशासन की लगातार नकेल कसी जाती है और उसी को लेकर उन्होंने नाका लगाया हुआ था। और सीसीटीवी में दिख रहा है कि इसी रोड पर उस साइड से जो ई रिक्शा चालक है सामान भरकर, देखा जा रहा है कि ई रिक्शा में सामान भी काफी था, सब्जी मंडी से आ रहा था या कहां से आ रहा था, जब सर ने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने एकदम ई रिक्शा जो है वो चढ़ाया और ई रिक्शा चढ़ाने के बाद वो यहां से फरार हो गया। जो उस समय रविंदर सैनी के जो ड्राइवर है महिंदर जी वो भी यहां पर मौजूद थे। महिंदर जी हुआ क्या था, कितने बजे का समय था? यहां 8:40 का समय था जी। जी मैं यहां साहब ने बोला कि ये गाड़ी बंद कर रखी थी, मैं गाड़ी अंदर लेके गया, यहां से मैं गाड़ी अंदर लेके बंद कराई थाने में। हाँ थाने में। तो यहां से थोड़ी ही दूर चलते ही मैं गाड़ी बंद करा के आ रहा था, साहब यहाँ पकड़े थे जी। अच्छा इसी जगह। हाँ उसको वहाँ से इशारा किया, वो बिल्कुल बच्चा चला रहा था गाड़ी, नाबालिग था। नाबालिग था वो। अच्छा। तो इशारा करते करते उसने गाड़ी साहब को सीधी टक्कर मार दी, साहब यहाँ गिर गए, मैं वहाँ से भाग्या हूँ। वहाँ से भागने के बाद मैंने साहब को उठाया, पीछे पीछे मेरे जसपाल जी आगे, हम दोनों ने उठा के वहाँ अपनी गाड़ी में साहब को बिठाया। तो उस टाइम वो भाग गया था जो? हाँ वो भाग गया था, हमारे हाथ में फूल गए थे बिल्कुल, क्योंकि ब्लड बहुत ज्यादा साहब का बह हुआ था। यहाँ गरीब सर पे चोट लगी थी, कान से भी खून आ रहा था। अच्छा। तो हमने सोचा कि पहले साहब को उठाइए, हमने उसका तो डिपार्टमेंटली ये पुलिस उसको पकड़ लेगी बिल्कुल। फिर हम वहाँ से 16 गए हैं सर। अच्छा। 16 अपनी गाड़ी में लेके गए साहब को। खून निकल रहा था, खून बहुत निकल रहा था। मैंने अपना परना रखा था, वो परना बांधा साहब के। अच्छा। सिर पे जी। तो फिर साहब बेहोश थे। अच्छा उस टाइम होश नहीं? हाँ बेहोश थे। वहाँ 17-18 की लाइटें पे जाने के बाद उन्होंने होश आया थोड़ा। अच्छा। कहते हम कहाँ जा रहे हैं, मगा जी आपका चोट लगी हुई है, फिर वो बेहोश हो गए। उसके बाद फिर उसके बाद हम 16 हॉस्पिटल गए जी। ठीक है। 16 हॉस्पिटल में फिर? 16 हॉस्पिटल में जाने के बाद जी वो बोल तो रहे थे लेकिन अपने आप असमर्थ हो रहे थे खड़े होने के लिए। Okay. ज्यादा उसको चोट ज्यादा हिट किया उन्होंने, छाती पे लगी है। अच्छा। छाती पे लगने के बाद गिरे हैं। वो सीसीटीवी में दिख रहा है कि वो एकदम उसको हिट कर। हाँ हिट कर रहा है। वो भी काफी तेजी में था जो तेज था जी, वो पिछली यहाँ से स्पीड में आया, वहाँ से रोकने की कोशिश की गई है उसको जी। पुलिस का जो लड़का था उसको रोकने की कोशिश की गई। अच्छा। पीछे पुलिस थी। यानी कि आपका ये एक मुलाजिम पीछे था, उसको रोकने की कोशिश करी और रुकया नहीं, रोकने के नहीं रुकया तो यहाँ साहब ने उसको इशारा कराया तो बावर्दी नहीं रुकया तो उस साहब को हिट कर दिया उन्होंने। ठीक है। महिंदर जी लगातार आप चलान करते हो, इस तरह से इलीगल चल रहे हैं, ये शहर में ज्यादा हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहे हैं जी। ये तो बड़ा जानलेवा है, ये तो जानलेवा है। आप देख लो सीसीटीवी में इस फोटो आ रही है साहब की, ये अगर एक आम बंदा है, अगर कोई रोड क्रॉसिंग करता उसको भी मार दोगे आप? बिल्कुल। उसमें ब्रेक भी है, उसमें जानबूझ के लग रहा है कि बिल्कुल रोकी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जानबूझ के मारा है उन्होंने टक्कर। ठीक है। तो इस पे अब उनको पीजीआई है, उनकी हालत कैसी है? पीजीआई देखो जी, कल रात को ऑपरेशन हुआ है, हम तो दुआ करते हैं बाबा जी से जल्दी ठीक हुए हमारे साहब। बिल्कुल। हम तो अकेले पड़ गए उनके बिना। बिल्कुल। अब परमात्मा कह सकते हैं कि महिंदर जी महकमे के हैं और पूरा रविंदर सैनी के साथ रहते हैं और लगातार जो इस तरह से इलीगल या अवैध जो ई रिक्शा चल रहे हैं या कमर्शियल गाड़ियां चल रही हो धड़ल्ले से किसी भी बिना कागजात के चल रही है उन पर नकेल कसी जाती है। लेकिन जो इलीगल चलते हैं उनका मकसद क्या होता है? फटाफट आरटीए को देखा या फिर इंस्पेक्टर को देखा और अपनी गाड़ी या फिर अपना ऑटो वो भगा दिया और इसका जो खामियाजा है वो रविंदर सैनी को भुगतना पड़ा। अब वो जिंदगी और मौत के भी जूझ रहे हैं, उनके आईसीयू में वो सीरियस काफी कंडीशन है जो अभी तक जानकारी डॉक्टर्स ने दी है। लेकिन इस तरह की सीसीटीवी सामने आई है बड़ी हैरान कर देने वाली और जैसे महिंदर जी ने भी बताया कि किस तरह सा पूरा सरकमस्टांस रहा, उसको रोकने की कोशिश की क्योंकि बिल्कुल पीछे, क्योंकि इनकी एक टीम होती है, पुलिस मुलाजिम होते हैं साथ में, महिंदर जी होते हैं, आरटीओ जो इंस्पेक्टर है रविंदर सैनी वो होते हैं। पहले उसको पुलिस वाले ने रोकने की कोशिश की, वो वहां नहीं रुका, उसने भगाया। उसके बाद जब रविंदर सैनी यहां बिल्कुल यहां मौजूद थे, जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उसके ऊपर ही जो ई रिक्शा था वो चढ़ा दिया। हालांकि अब पुलिस ने मामला जरूर दर्ज कर लिया क्योंकि बड़ी हैरान कर देने वाली गल है कि बिल्कुल चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन के गेट के बिल्कुल बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये पूरा जो घटना हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। कौन था, कहां से आया था, ये सारी चीजों को लेकर अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है।